नेशन में देश और दुनिया की हर खबर होगी, लेकिन सबसे पहले खबर मुजफ्फरनगर से। कैसे एक शख्स की पीट पीट कर वहां हत्या कर दी गई, हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप भी देखिए, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। मृतक का नाम जान मोहम्मद बताया जा रहा है। दरअसल 24 अप्रैल को जान मोहम्मद के भाई ने पुलिस को खबर दी कि उसका भाई शराब का आदी था और नशे में गिरकर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा और केस क्लोज कर दिया। जान मोहम्मद को सुपुर्द खाक भी कर दिया गया कि तभी सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। तस्वीर देखकर घर वाले चकरा गए। उन्होंने जान मोहम्मद को भी पहचान लिया और उस पर हमला कर रहे फैजल को भी, जो रिश्तेदारी में जान मोहम्मद का भाई लगता है। जिसके बाद अब पुलिस ने फैजल को गिरफ्तार कर लिया है और जान मोहम्मद का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस की जांच के तरीके पर भी हो रहा है कि कैसे एक हत्या को वो आत्महत्या मानकर केस को रफा दफा कर देती है और फटाफट से केस क्लोज कर देती है। एनकाउंटर करने में जितनी तेजी, उतना ही केस क्लोज करने में भी तेजी दिखाती है यूपी की पुलिस। आगे बढ़ते हैं। माओ के शहर वुहान में नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है। प्रोटोकॉल तोड़कर चीन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का स्वागत किया। हुबे में म्यूजियम में पीएम मोदी का स्वागत किया गया। स्वागत का अंदाज और मुलाकात का आगाज बेहद शानदार रहा, लेकिन चीन की चालबाजियां हमेशा सवाल खड़े करती हैं। एक म्यूजियम जो चीन के इतिहास का दर्शन करवाता है, हुबेई म्यूजियम जो चीन के गौरव का प्रतीक है, प्रोटोकॉल तोड़कर चीन के राष्ट्रपति मिले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से। इसी म्यूजियम में दुनिया की दो महाशक्तियों के नेताओं की मुलाकात के जरिए रिश्तों की बर्फ को पिघलाने की कोशिश की गई। मोदी के स्वागत में म्यूजियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। पारंपरिक चीनी परिधान में मोदी के सामने चीन के आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा। इसके साथ ही म्यूजियम में खास अंदाज में नजर आए मोदी और जिनपिंग। इस तस्वीर को देखिए, ये खास तरह का चीनी बेल सेट है और घंटी बजाने का ये चीनी अंदाज, और पीएम मोदी इसका भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से मोदी के हाथ चीन के इस पारंपरिक घंटी पर चलते नजर आए। मोदी के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घंटी बजाने की औपचारिकता पूरी की। बड़े बेल सेट के बाद छोटे बेल सेट ने भी नरेंद्र मोदी का ध्यान अपनी ओर खींचा। पहले हथौड़े जैसे डंडे से शी जिनपिंग ने बेल सेट पर वार किया, फिर पीएम मोदी ने हाथ आजमाया। कुछ देर बाद पीएम मोदी ने दो डंडों को उठा लिया और एक कुशल वेल आर्टिस्ट की तरह बेल सेट पर उनके हाथ चलने लगे। इतिहास का बेशकीमती खजाना है हुबेई म्यूजियम। जरा सोचिए, इस म्यूजियम में करीब 2,00,000 से ज्यादा ऐतिहासिक वस्तुएं हैं। इसमें सबसे खास है मार्कोस ये के कब्र से निकाली गई बेल सेट या घंटी। ये बेल सेट 430 ईसा पूर्व का है। पीएम मोदी ने इस बेल सेट में खास दिलचस्पी दिखाई। इसके अलावा म्यूजियम में रखी दूसरी वस्तुओं में भी मोदी ने खासी दिलचस्पी दिखाई। ट्रांसलेटर के जरिए पीएम मोदी को म्यूजियम के बारे में जानकारी दी गई। पूरे वक्त चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। टीम न्यूज नेशन। तो शुरुआत बेहद शानदार हुई है। मोदी और शी जिनपिंग के बीच 6 बार बातचीत होगी। वुहान में दोनों नेता तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पहली मुलाकात के बाद पीएम मोदी का जो बयान आया है वो उत्साह बढ़ाने वाला है। बयान में डोकलाम के साथ सीमा विवाद से जुड़ी कोई तलखी नहीं नजर आई। पीएम मोदी चीन और भारत के बीच बेहतर आर्थिक सहयोग की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। चीन के साथ भारत के रिश्ते को नए मुकाम पर पहुंचाने के मकसद से दोनों देशों के नेताओं ने दिल खोलकर बातचीत शुरू कर दी है। भारतीय प्रधानमंत्री के 2 दिनों के चीन दौरे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी 1-2 नहीं बल्कि कुल 6 मुलाकातें हुई। 6 बार बातचीत के लिए दोनों साथ बैठने वाले हैं। पहले ही दिन चंद घंटे के अंतराल पर दोनों नेता 2 बार एक दूसरे से मुखातिब हुए। औपचारिकताएं दरकिनार कर दी गई हैं और तैयारी रिश्तों की एक नई इबारत लिखने की। हम भारत के लोग इस बात को बड़े गर्व के साथ
रजिस्टर करते हैं कि शायद भारत का प्रधानमंत्री पहला है जिसको आपने कैपिटल के बाहर दो बार करके रिसीव किया है। ये अपने आप में भारत के प्रति प्यार, भारत के प्रति आपका स्नेह ये प्रकट होता है। आप स्वयं वुहान आए, स्वागत सम्मान किया, ये भारत का स्वागत सम्मान है। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ भारत के रिश्ते की मजबूती को दुनिया की बेहतरी के लिए जरूरी बताया है। दुनिया के 40% जनसंख्या का भला करने का दायित्व तो हमारे पास आया है और 40% जनता का भला करने का मतलब है विश्व को अनेक समस्याओं से मुक्ति दिलाने का एक सफल प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अगले साल भारत आने का न्योता दिया। मुझे खुशी होगी 2019 में ऐसे ही एक इनफॉर्मल समिट भारत की धरती पर हम लोगों को करने का अवसर मिले। दक्षिण चीन सागर में बादशाहत कायम करने की कोशिश हो या फिर चीन पाक आर्थिक गलियारे का मसला, भारत की सरहद में चीनी सैनिकों की घुसपैठ का मसला हो या फिर आतंकी मसूद अजहर के यूएन में बचाव का मामला, भारत और चीन के रिश्तों में खटास लगातार आती रही है। डोकलाम विवाद ने इस दरार को और चौड़ा किया, लेकिन अब लगता है कि रिश्तों पर जमी बर्फ जल्द ही पिघलने वाली है। टीम न्यूज नेशन। और देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। गुरुवार शाम 5 बजे से ही हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। रेजिडेंट डॉक्टर्स का आरोप है कि सीनियर डॉक्टर अतुल कुमार ने उनके साथी को मरीजों और दूसरे स्टाफ के सामने थप्पड़ मार दिया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब रेजिडेंट डॉक्टर्स डॉक्टर अतुल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और ऐसा ना होने तक तकरीबन 1800 रेजिडेंट डॉक्टर बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों के साथ से विवाद में अगर कोई परेशान हो रहा है तो एम्स देश के सबसे बड़े अस्पताल में आने वाले मरीज। मैम, हमारा सिंपल मांग ये है कि अगर किसी भी संस्था में या किसी पूरे देश में किसी पे भी अगर गंभीर आरोप लगते हैं तो उनको उस पद से पदस्थ किया जाता है। ये एक नॉर्मल सिनेरियो है। हमारे आरपीसी चीफ प्रोफेसर डॉक्टर अतुल कुमार पे बहुत गंभीर आरोप लगे हैं और ये बात केवल थप्पड़ मारने की बात नहीं, उसके अलावा भी उन पे बहुत सारे गंभीर आरोप रेजिडेंट डॉक्टर्स ने लगाया है उन्हीं के डिपार्टमेंट में। हमारी सिंपल सी मांग ये है कि इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद एक चीफ जो हेड है उस पर हेड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स को धरती पर भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन देश के सबसे बड़े अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने से मरीजों की जान पर बनाई है। रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और मरीज सड़क पर मारे मारे फिर रहे हैं। मेरा गोड़ में ऐसे तरह गोदी में ले लेकर बवाल फूट रहा, इलाज नहीं कर रहा डॉक्टर। तो कहां था थम दौड़ी मुझे, आज मेरे बच्चे का ऑपरेशन करना था, अभी मना कर दिए कि अब नहीं होगा ऑपरेशन। मरीज मिन्नतें कर रहे, जो आम पब्लिक है वो पिस रही है बहुत ज्यादा, तो ये ढंग की समस्या का समाधान कैसे होगा। तिमारदार गड़गड़ा रहे, कोई बिहार से आया है, कोई गुड़गांव से, कोई यूपी का है, कोई मध्य प्रदेश का, लेकिन सबका दर्द बस एक, हड़ताल पर धरती का भगवान। देश के सबसे बड़े अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, मरीजों को तो सड़क पर ला दिया है, ओपीडी बंद रहे, ऑपरेशन नहीं और मरीज दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर रहे। अंदर हमें यही बोला गया है जी यहाँ बेड खाली नहीं है, हम आपको सफदरजंग में कर रहे हैं, सफदरजंग में गए जी वहाँ भी बेड नहीं है। अब आप सड़कों पे? हाँ जी, अब सड़क पे आ गए हैं। गार्ड सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बस जाइए हड़ताल हड़ताल, उसका प्रोविजन होता है, क्या काम है, किस लिए हड़ताल है, पब्लिक मर जाए उसके लिए कोई व्यवस्था कीजिए। किडनी बिल्कुल खत्म है बच्चे की और दूसरी किडनी पे भी इन्फेक्शन हो रहा है। अंदर गए तो बोला मरीज को वापस ले जाओ, यहाँ कोई इलाज नहीं होगा। अभी क्या कोई सुन रहा है, क्या कोई देख रहा है, पता नहीं। फिलहाल तो देश का सबसे बड़ा अस्पताल खामोश है, सरकार सुस्त है और धरती पर भगवान का दर्जा पाए डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज हलकान है। ये वो अस्पताल है जिस पर देश को नाज है, जहां जिंदगी बचाने के लिए मरीज उम्मीद की डोर थामे चला आता है। अंदाजे के मुताबिक एम्स में हर रोज 10,000 से ज्यादा मरीज आते हैं। यहाँ लगभग 2,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स और 800 फैकल्टी हैं और पिछले एक साल एम्स की ओपीडी में मरीजों की संख्या करीब 17% बढ़ी है।
लेकिन इतने बड़े और अहम अस्पताल एम्स की हड़ताल खत्म होती नहीं दिख रही। तो सवाल ये कि आखिर बीमारी से तड़पते इन मरीजों की सुध कौन लेगा? दिल्ली से रविकांत राय और सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। मंदिरों में आपने लोगों को खाली पैर तो अक्सर आते देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बचरौनिया गांव में महिलाओं के चप्पल पहनने पर पाबंदी है। चिलचिलाती गर्मी हो या कड़कड़ाती ठंड, इन महिलाओं को चप्पल पहनने की इजाजत नहीं। गांव से बाहर जाते हुए ये महिलाएं हाथों में चप्पल लेकर जाती हैं और फिर गांव की दहली से बाहर निकलकर चप्पल पहनती हैं। और हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ हो रहा है आस्था और परंपरा के नाम पर। एक तो एक ही समाज का गांव है, वहां पर अलग अलग समाज के लोग निवास नहीं करते। दूसरा, वो जो खबर है वो पूरी पूरी सही नहीं है। वहां पर हमने बात किए लोगों से, पटवारी को भेजा है, महिला चप्पल पहनती है गांव में, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में उनका ऐसा कहना है, हमारा आस्था है इस एरिया में नहीं पहनते, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं उनको भेज रहे हैं, उनको समझाइश दे रहे हैं कि चप्पल या जूते जहां पवित्र स्थान है उसको छोड़कर अन्य जगह पहुंचने पर ऐसी कोई रोक नहीं होना चाहिए। तो अधिकारी सफाई दे रहे हैं लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलता, और परंपरा के नाम पर जो कुछ हो रहा है महिलाओं के साथ ये यकीनन सही तो नहीं ठहराया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंबल के बीहड़ में डाकू मलखान सिंह की, जिसका एक जमाने में सिक्का चलता था, लेकिन करीब डेढ़ दशक तक अपने खौफ का साम्राज्य चलाने के बाद मलखान सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और अब उसी मलखान सिंह का पोता अजय सिंह चेन स्नैचिंग के आरोप में लखनऊ में गिरफ्तार हुआ है। हालांकि जुर्म करने की अजय सिंह की दलील बेहद अजीबोगरीब है, आप भी सुनिए। 6 फीट लंबा कद, रौबदार मूछें, जिस्म पर खाकी वर्दी, सालों तक ये चेहरा चंबल के इलाकों में खौफ का दूसरा नाम बना रहा। नाम था मलखान सिंह। अब इसी मलखान सिंह का परनाती अजय सिंह है पुलिस गिरफ्त में। एक डाकू का परनाती अब बन चुका है झपटमार। लखनऊ पुलिस ने चेन स्नेचिंग के इल्जाम में अजय सिंह को गिरफ्तार किया है। अजय से लूट की चेन खरीदने वाला शुभम रस्तोगी भी पुलिस गिरफ्त में है। जब कानपुर में जेल चला गया और वहां की पुलिस इसको लेकर चौकन्ना हो गई तो इसने अपना बेस शिफ्ट कर लिया लखनऊ की तरफ। हाल ही में इसकी शादी भी हो गई थी, इसके खर्चे बढ़ गए थे, तो लखनऊ में आशाना क्षेत्र और कृष्णानगर क्षेत्र में ये किराए के मकान में लगातार रहता था। वहां की टोपोग्राफी से ये व्यक्ति अच्छी तरीके से परिचित था, तो जब पुलिस इसका कभी पीछा भी करती तो ये गलियों के रास्ते पता होने की वजह से ही पुलिस को चकमा देने में सफल हो जाता। लेकिन इस बार की जो फील्डिंग इसकी लगाई गई और जो मुखबिर की सटीक सूचना मिली, ये गिरफ्तार किया गया। मलखान सिंह ने 80 के दशक में बंदूक छोड़ दी, लेकिन अब उसका परनाती जुर्म के दलदल में क्यों कूदा, इसका तर्क भी बेहद अजीब है। मैं ग्रेजुएट हूं और यूपी से नेशनल प्लेयर हूं, सीनियर नेशनल प्लेयर हूं, जो इंडिया से थोड़ा टूर्नामेंट होता है। जॉब नहीं मिलने से मैंने ना, अगर जॉब होती मैं अपना करता, जॉब नहीं इसलिए सब कुछ करना पड़ा। अजय सिंह ग्रेजुएट है लेकिन मेहनत की जगह उसने जुर्म का रास्ता चुना, जिसकी मंजिल जेल ही है। अजय सिंह की दलील उसके गुनाहों की पर्देदारी नहीं कर सकती और शायद जेल में उसे भी इसका इल्म हो जाएगा। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। और आगे बढ़ें उससे पहले एक नजर जुर्म की दुनिया की हर खबर पर क्राइम व्यू में। दिल्ली में प्रॉपर्टी के विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, 2 भाई और 1 महिला की मौत। लखनऊ में क्राइम ब्रांच ने फर्जी आईजी बनकर धमकाने वाले शख्स को धर दबोचा, 7 जिलों में मामला दर्ज। दिल्ली के नरेला इलाके में बैंक की कैश वैन लूटने आए बाइक सवार बदमाशों ने 2 बैंक कर्मियों की गोली मारकर हत्या की। हत्या करने के बाद बदमाश वैन से करीब 12 लाख रुपए लूटकर फरार हुए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस कर रही है मामले की जांच। आगरा में ट्रांसपोर्टर पर टूटा बदमाशों का कहर, दुकान के बाहर मारी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के फतेहपुरी बेरी इलाके में बदमाशों ने एक शख्स को और उसके नौकर को मारी गोली, लूटपाट में नाकाम रहने पर वारदात, दोनों जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती।
KRSS की नजर अब AMU पर है। क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अब संघ अपनी जगह बनाने में जुट गया है? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद आमिर रशीद ने AMU में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगाने की इजाजत मांगी है। सही सुन रहे हैं आप, संघ की शाखा, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भीतर। RSS का कहना है कि वो ऐसा अल्पसंख्यक समूह के बीच राइट विंग संगठनों के बारे में बनी गलत धारणाओं को दूर करने के लिए करना चाहती है और इसीलिए मोहम्मद आमिर ने बाकायदा VC को चिट्ठी भी लिखी है जिसमें कहा गया है कि AMU में RSS की शाखा से यहाँ होने वाले विवाद खत्म हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी के छात्रों का RSS कार्यकर्ताओं के साथ उठना बैठना शुरू हो जाएगा जिससे विचारों का आदान प्रदान होगा। नियत क्या वाकई इतनी पाक साफ है? संघ के खिलाफ दूषित मानसिकता लिए हुए बैठे हुए, इसीलिए हमने एक पत्र लिखा वाइस चांसलर साहब को कि संघ की शाखा के लिए एक परमिशन हमें दें शाखा लगाने के लिए, जिससे AMU के छात्रों में भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो और राष्ट्रवाद, संघ के राष्ट्रवाद को ये लोग समझें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है एक शैक्षिक संस्था है, वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को तमाम लोग हर तरह के खत लिख सकते हैं और लिखते हैं, लेकिन जिस खत की आप बात कर रहे हैं वो अभी हम लोग के संज्ञान में नहीं है। जब वाइस चांसलर के पास एक लेटर आया है, अगर वो भेजा गया है तो वाइस चांसलर साहब अगर उसमें कोई डिसीजन होगा तो हम बताएंगे, लेकिन अभी हम लोगों की जानकारी में ये लेटर नहीं है। और भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या प्रत्यर्पण से जुड़े केस में ब्रिटेन की अदालत में आज पेश हुआ। वेस्टमिंस्टर कोर्ट में भारतीय अधिकारियों ने माल्या के खिलाफ जो सबूत पेश किए उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। माल्या के प्रत्यर्पण के लिहाज से CBI के लिए ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है। शराब कारोबारी विजय माल्या पर बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। पिछले साल अप्रैल में स्कॉटलैंड यार्ड की ओर से प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तारी के बाद से माल्या जमानत पर है। विजय माल्या की जमानत कोर्ट ने अगली सुनवाई 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। स्थानीय वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी के बाद माल्या ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। But your team That's is still not asking for time. Right. Every case has closing submissions. And all we have said is, in addition to written submissions, we want a hearing to conclude our submissions orally. Nothing wrong in that at all. No delaying tactics. On the contrary, we requested an earlier date than what was being discussed. Yes. काले धन वालों का पता बताओ और इनाम पाओ। जी हां, आयकर विभाग ने काले धन की जानकारी देने वालों को 5 करोड़ रुपए तक का इनाम देने की योजना शुरू की है। इनकम चेक्स की इन्फॉर्मेट्स रिवॉर्ड स्कीम 2018 के मुताबिक काले धन की सूचना देने वाले को इससे भी ज्यादा का इनाम मिल सकता है अगर उसने विदेशों में छिपे अघोषित संपत्ति के बारे में विभाग को जानकारी दी। यानी टैक्स चोरों को पकड़वाइए और 5 करोड़ ले जाइए। इसके लिए अधिकतम 5 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। खेल के मैदान की हर अपडेट स्पोर्ट्स व्यू। मैदान पर लंबे लंबे छक्के लगाने वाले गेल का करंट लगने वाला डांस हो रहा है वायरल। पंजाब के खिलाड़ियों के साथ गेल अपने जान से मचा रहे हैं धमाल। जीत के रथ पर सवार CSK के खिलाड़ी हरभजन सिंह और सुरेश रैना लॉन्ग ड्राइव गाना गाकर मस्ती करते नजर आए। गौतम गंभीर ने सुकमा शहीदों के परिवार वालों से मिलकर दी शहादत को सलामी। गंभीर ने ट्वीट कर लिखा, इनकी आंखें नम थी, दिल में गम था, मैंने जब टटोला तो जाना कि मेरा गम कम। विराट के काउंटी क्रिकेट खेलने को BCCI में 2 फाड़। बोर्ड अधिकारी चाहते हैं विराट को अफगानिस्तान के खिलाफ 14 जून को होने वाले टेस्ट मैच में खिलाना, जबकि विनोद राय की अगुवाई वाले COA विराट को काउंटी में भेजना चाहते हैं। पीठ की चोट की वजह से दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम से बाहर। चोटिल क्रिस मॉरिस की जगह अफ्रीका के ही तेज गेंदबाज जूनियर डाला को मिली डेयरडेविल्स की टीम में जगह। उधर पुणे में एक दंपति ने देशभक्ति की मिसाल कायम की है। सुमेधा और योगेश शेठाड़े ने सियाचिन में तैनात जवानों की मदद के लिए अपने गहने बेच दिए हैं। परिवार ने यह पहल सियाचिन में जवानों के लिए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने के लिए की है। सुमेधा शेठाड़े पेशे से टीचर हैं और 1999 से आर्मी वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं। यकीनन सराहनीय कदम। ऐसे स्पेसिफिक सोचकर मैंने कुछ भी किया ऐसे मुझे नहीं लगता है, लेकिन इसके कारण पहले जो मैं काम कर रही हूँ वो है 1999 से मैंने ये सैनिक परिवार के लिए काम करना शुरू कर दिया। और दुनिया में क्या जो हलचल है वर्ल्ड व्यू। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना नया एनवायरनमेंट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट धरती के महासागर, झील और वनस्पतियों का निरीक्षण करेगा। ये सैटेलाइट एक रूसी बैलिस्टिक मिसाइल को परिवर्तित कर बनाया गया है।
हुबई के किलावा ज्वालामुखी से लाल लावा निकलते देखा गया। इससे पहले 20 मार्च को ज्वालामुखी से लावा निकलते देखा गया था। इजराइल में आई बाढ़ से हाइकिंग करने गए 9 किशोरों की मौत हो गई और एक लापता है। एक स्कूल के लगभग 23 स्टूडेंट्स हाइकिंग के लिए गए थे जहां ये दुर्घटना हो गई। अचानक आई इस बाढ़ में 15 युवकों को बचा लिया गया जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल हुए। अमेरिका के मदाम तुसाद वैक्स म्यूजियम में हुई राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप की एंट्री। इस स्टेचू के लिए 20 कलाकारों की एक टीम ने 3 से 4 महीने तक लेडी ट्रंप के साथ रहकर स्टेचू से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाई। और दुनिया की हलचल के बाद सिनेमा की हलचल सिनेमा व्यू। फिल्म वीरे दी वेडिंग का ट्रेलर सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। 24 घंटे में ही इस ट्रेलर को YouTube पर 14 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। वहीं 2 दिन पहले रिलीज हुए संजू के टीजर को 32 मिलियन व्यूज मिल गए हैं। अपना रेस 3 की शूटिंग के दौरान लद्दाख में बाइक चलाते दिखे सलमान खान। सलमान की बाइक की बैक सीट पर बैठी दिखी जैकलिन फर्नांडिस। चंबल की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म फेमस का ट्रेलर रिलीज हुआ है। मार धाड़ खून खराबे से भरपूर इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, के मेनन, जिमी शेरगिल, श्रेया सेनन, पंकज त्रिपाठी और माही गिल जैसे मजे हुए कलाकार है। 1 जून को रिलीज होगी फिल्म। सुपर हीरो फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर फिल्म रिलीज। लंबे समय से इस फिल्म के इंतजार में बैठे दर्शकों में खासी एक्साइटमेंट है और कहा जा रहा है कि पहले ही दिन ये फिल्म कर सकती है करोड़ों की कमाई। तो नेशन व्यू में आपने देखी हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे।